नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 100 घर जलकर हुए राख, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। ग्रामीणों एवं दमकल कर्मियों के अथक प्रयास के बाद आग पर पाया गया काबू। बैरिया प्रखंड के उत्तरी पटजिरवा पंचायत में शॉर्ट सर्किट लगने से 100 घर जलकर हुए राख, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई तब्दील। ग्रामीणों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से 100 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों एवं दमकल कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें अधिक होने की वजह से लगभग 3 घंटे तक जलती रही। पीड़ित परिवारों को का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया पति शेख जहांगीर आलम उर्फ चुन्नी ने आग लगने की जायजा लेते हुए पीड़ित परिवारों को यथासंभव मदद करने की बातें कही एवं इसकी सूचना अंचलाधिकारी को देते हुए विभाग से पीड़ित परिवारों को मदद करने की बातें कही। वहीं इसकी सूचना जब नौतन बैरिया विधानसभा विधायक नारायण साह को मिली तो तत्काल पीड़ित परिवारों के बीच आकर मुआवजा के आश्वासन दी। वहीं पीड़ित परिवार को खाने के लिए श्रीनगर तथा प्रभारी अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कैंपस में मुखिया पति जहांगीर आलम उर्फ चुन्नी के द्वारा खाना एवं लाइट का बंदोबस्त किया गया। मौके पर पुलिस बल के साथ समिति पति जफीर खान एवं सरपंच नियाज खान उपस्थित रहे। अफसर खान की रिपोर्ट। सूचना मिली, हमने कड़ियागंज में थे तो स्थानीय स्तर पर हमको फोन किया तो जुरंत अग्निशामक को हम लोगों ने फोन किया और जुरंत कुछ कर गया। समय तो लगता है, आने आने में समय लगा है, लेकिन हमारे अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, हमारे स्थानीय मुखिया जो हैं वो काफ़ी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जो सहयोगी है, काफ़ी मिलकर कोशिश करने के बाद कानवर घर का पता लगा है कि कानवे घर जल गया। उसके लिए हमारे सांसद के साले भी आए थे, हमको आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, शादी विवाह का दिन है और बरातों रात से रोड उड थोड़ा जाम मिलता है, तो अभी हम पहुँचे हैं तो हमने सवा सारा निर्देश दिया है। अभी मुखिया जी के माध्यम से खाना मिल रहा है सभी लोगों का, कल सुबह में प्लास्टिक भी चलाएगा और राशि के लिए भी हमने आपदा प्रबंधक से बात किया है, डीएम से भी बात किया है। कल कोशिश होगा कि जो इन लोगों को बर्तन के लिए और कुछ राशि जो दिया जाता है घर ठीक कराने के लिए, यानी 98 98 रुपया कल सभी को कोशिश कर रहे हैं कि वितरित हो जाए। कल सुबह में भी चिवड़ा मीठा की व्यवस्था हो गया है, खिचड़ी का व्यवस्था हो गया है। बाकी तो आपदा प्रबंधक है, ईश्वरीय देन है। अब कोई कह रहा है कि घर में खाना बनाते से जला, कोई कह रहा है कि बिजली के तार गिरने से हुआ। सर, ग्रामीण कह रहा है कि कई बार इसका आवेदन भी दिए हैं लेकिन अभी तक बिजली विभाग के संबंध में आपके सामने ही हमने स्कूटी इंजीनियर बिजली विभाग से बात किया जी। हमने कहा कि यदि कोई डिफॉल्टर है तो उसको दुरुस्त कराया जाए और वायरिंग का मांग है तो उनका कहना है स्थानीय मुखिया जो पिटिशन हमको दे देंगे तो प्रस्ताव को हम भेज देंगे। हमने कहा कि प्रस्ताव को भेजिए, आप जो आपका MD हैं उनसे, हम जब थे हम आपका पर्यटन विभाग में तो हमारे MD रहे हैं, तो उनसे भी हमारी अच्छा संबंध है, हम भी बात करके उनसे आपको ये व्यवस्था करा देंगे ताकि वायर वाला जो तार हो जाए कि ताकि किसी घर में टूटने पर अग्निकांड ऐसा नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं स्कूटी इंजीनियर से करके और MD साहब से करके बात करके सब करवा दें। सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ प्रखंड क्षेत्र में कोई भी अग्निशमन की गाड़ी नहीं है और लोगों का आरोप है कि हम लोग बार बार इसका मांग करते हैं लेकिन थाना क्षेत्र में कभी भी अग्निशमन की गाड़ी व्यवस्था नहीं कराई गई। ये तो सरकार की काम, हर थाना में तो संभव नहीं है। तो सर, प्रखंड में 2 थाने हैं ना सर? तो प्रखंड में 2 थाने हैं तो कोई एक जगह सीमित के लिए हमने पत्राचार भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री को हमने लिख कर भी दिया है, लेकिन जिला स्तर पर ही रहता है, जिला से दूरी उतना ही पड़ता है। प्रखंड में मान लीजिए नौतन रखते हैं तो उसका भी दूरी बैरिया से उतना ही पड़ेगा जितना बेतिया से पड़ेगा, या आप बैरिया में रखते हैं तो नौतन का भी दूरी उतना ही पड़ेगा। तो इस सरकार की ऊपर से जो नीति होता है ना, बनता है, उसके आधार पर प्रत्येक थाना में। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहें ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।